नमस्कार, 7i न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपका सुजिता। और खास खबर में हम बात करेंगे कि कैसे मुस्लिम महिलाओं की तरक्की पर रोड़ा बन रहा है कट्टरपंथ। कल रविवार को दंगल गर्ल यानी जायरा वसीम ने एक चौंकाने वाला ऐलान किया। उन्होंने दो फिल्में देने के बाद ही बॉलीवुड छोड़ने का फैसला लिया। फेसबुक पर लिखी एक लंबी पोस्ट में उन्होंने कहा कि अपने धर्म और अल्लाह के लिए यह फैसला ले रही हूँ। जायरा ने कहा कि वो फिल्मों में काम करने के दौरान अपने धर्म से भटक गई थी। जायरा का यह फैसला सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है। कुछ लोग उनके सपोर्ट में बोल रहे हैं तो कुछ लोगों को यह फैसला नागवार गुजरा। जायरा वसीम जम्मू कश्मीर से आती हैं। जायरा ने 13 साल की उम्र में ही वह शोहरत और तरक्की हासिल कर ली जिसे कोई सपने में भी इतने जल्दी करने की नहीं सोच सकता। जायरा ने आमिर खान की फिल्म दंगल से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म में उन्होंने इतनी दमदार एक्टिंग की थी कि इसके लिए उन्होंने नेशनल अवार्ड तक मिला था। इसके बाद उन्होंने आमिर के साथ सीक्रेट सुपरस्टार में भी काम किया था। इतनी टैलेंटेड लड़की का यूं अचानक एक्टिंग छोड़ देना किसी के गले नहीं उतर रहा। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर उन्होंने ये फैसला क्यों लिया। नेशनल अवार्ड जीत चुकी जायरा ने आखिर क्यों हमेशा के लिए एक्टिंग छोड़ दी? क्या सिर्फ मजहब के चलते उन्होंने यह फैसला लिया या इसके पीछे की वजह कुछ और है? कहीं कट्टरपंथियों के डर से तो जायरा ने यह फैसला नहीं लिया। एक बात तो है, जायरा ने जो फैसला लिया है उसकी पृष्ठभूमि तो काफी पहले से लिखी गई थी। जब जायरा ने दंगल की थी तो तभी से वह मुस्लिम कट्टरपंथियों के निशाने पर थी, क्योंकि फिल्म में जायरा के बाल काटे गए थे जिसके कारण उसके परिवार वालों को धमकी मिली। हो सकता है कि ये उन्हें कट्टरपंथियों का दबाव हो जो बार बार जायरा को उसके ईमान की याद दिलाते हुए ट्रोल करते हो और उन्हीं माफी मांगने पर मजबूर करते हो। जायरा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, 5 साल पहले मैंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में आने का फैसला लिया था और इस फैसले ने मेरी जिंदगी बदल दी। लोगों ने मुझे खूब प्यार दिया, मुझे बहुत अटेंशन मिला, मुझे अलग अलग पहचान मिली, यहां तक कि यूथ के लिए मैं रोल मॉडल बन गई। लेकिन 5 साल पूरे होने के बाद अब मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं अपने इस पहचान से खुश नहीं हूं। मैं कबूल करना चाहती हूं कि मैं अपने काम से खुश नहीं हूं। 2017 में आई फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार में जिस लड़की ने जिस विसंगत के खिलाफ लड़ाई लड़ी, आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि असल जीवन में भी वह उसी विसंगत के कारण अभिनय छोड़ रही है। इस फिल्म में भी जायरा ने कट्टरपंथियों से लड़ते हुए खुद को सुपरस्टार के तगमे से नवाजा था। बुर्का पहने हुए गाना गाने वाली लड़की फिल्म में सुपरस्टार बन गई और फिर वो शोहरत की बुलंदियों की ओर पहुंचने लगी। लेकिन वो फिल्म थी, यह हकीकत है और यही हकीकत लोगों के गले से नहीं उतर रही। जायरा मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं के लिए रोल मॉडल बन गई थी। उनका यह फैसला उन तमाम लड़कियों को डीमोटिवेट करेगा जो समय के साथ आगे बढ़ना चाहती हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि बेहद ही प्रतिभाशाली अभिनेत्री जायरा वसीम ने आखिर कैसे ये सोच लिया कि वो एक्टिंग के कारण अल्लाह से दूर हो रही हैं। रविवार से अभी तक जितने भी मौलवियों और मुस्लिम धर्म गुरुओं के बयान आ रहे हैं उससे साफ पता चलता है कि वे भी जायरा के इस फैसले से खुश हैं। भले ही जायरा किसी दबाव में खुश दिख रही हो, लेकिन फिल्म उद्योग में काम करने वाले मुस्लिमों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अक्सर छोटे छोटे मामलों में असहिष्णुता की बात करने वाले नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी और जावेद अख्तर भी इस मामले पर खामोश हैं। इन वरिष्ठ कलाकारों को जायरा का फैसला शायद जायज लगता है, लिहाजा उन्होंने इस बारे में अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। जायरा ने फिल्म उद्योग में नाम तो कमाया, लेकिन पिछले 2 दिनों में जो शोहरत उसने धर्म के नाम पर हासिल की, निसंदेह वह आने वाले दिनों में मुस्लिम धर्म की राजनीति में दस्तक जरूर देगी। इसके जरिए कट्टरपंथी ये संदेश मुस्लिम लड़कियों को देंगे कि एक लड़की ने धर्म के खातिर अपनी शानो शौकत भरी दुनिया छोड़ दी। मजहब को लेकर ऐसी ही टीका टिप्पणी मुस्लिम कट्टरपंथी लोगों द्वारा पश्चिम बंगाल की टीएमसी की सांसद नुसरत को सिंदूर लगाने और साड़ी पहनने को लेकर की जा रही है।
बांग्ला फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री व बशीरहाट से निर्वाचित तृणमूल सांसद नुसरत जहां ने कोलकाता के बिजनेसमैन निखिल जैन के साथ हिंदू रीति रिवाज से शादी की है। नुसरत जहां ने बड़े अदब और संस्कारों के साथ 25 जून को संसद में शपथ ली। माथे पर सिंदूर, जुबा से निकले वंदे मातरम और लोकसभा अध्यक्ष के पैर छुए, जो देवबंद के मौलाना को इतने खटके कि उन्होंने इसे गैर इस्लामिक बताते हुए फतवा जारी कर दिया। सवाल है कि क्या किसी की निजी सोच और संस्कारों पर भी अब धर्म का पहरा रहेगा। मौलवी ने कहा कि एक मुस्लिम लड़की को मुस्लिम लड़के से ही शादी करना चाहिए। हालांकि भाजपा नेता साध्वी प्राची ने नुसरत जहां का समर्थन किया है। वहीं नुसरत ने कहा कि मैं किस धर्म का पालन करूंगी, यह फैसला लेने का अधिकार सिर्फ मेरा है। मैं मुस्लिम धर्म का पालन करती हूं, लेकिन मेरे मन में सभी धर्मों के लिए समान श्रद्धा है। मैं और मेरे पति निखिल दोनों ही अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। लोगों ने नुसरत का सिंदूर लगाना और बिंदी लगाना तो देख लिया, लेकिन यह नहीं देखा कि वह आज भी मुस्लिम है। उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7i न्यूज को सब्सक्राइब करिए।